जब आप बात करेंगे ना, तो जब भी कभी हम इनको रेफर करेंगे ना, लाइक मीन मीडियन और मोड को, सो वी विल लुक एट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे आप, सही। और अगर आप बात करती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, पढ़ा है ना आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, सर। सही है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, सही सर। डिस्पर्जन का मतलब जी डिस्पर्जन या फिर स्प्रेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्या मतलब सर, कि अगर आपको कभी भी डेटा के अंदर वेरिएशन चेक करनी है या डिस्पर्सन के आपका डेटा कितना फैला हुआ है या फिर मीन से कितना दूर है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, मेजर्स ऑफ स्प्रेड लेते हो या फिर आप डिस्पर्जन लेते हो कि कितना डिस्पर्स है हमारा डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस के हिसाब से, जी ठीक है ना। जी सर। ओके, कमिंग बैक टू दिस। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था आईएमडी की, तो ये तीन बातें हो गई इसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, अब आरएमडी की स्ट्रेंथ बताएं इसी हिसाब से मुझे, आरएमडी की क्या स्ट्रेंथ है। पहली तो ये कि लेस पार्टिसिपेंट्स होंगे क्योंकि एक ही बंदा हर लेवल में परफॉर्म कर रहा है। लेस पार्टिसिपेंट्स होंगे, नहीं तो वो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ दिस मेथड पूछा है, डिजाइन। पार्टिसिपेंट्स कम होंगे तो जी, इफेक्टिव पे आप बात करना चाह रही, तो फिर स्ट्रेंथ ये होगी कि कोई पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स नहीं होंगे। ये एक अच्छी बात बताई आपने। तो पहली बात आपने कही कि फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स होंगे, सही जी है। और अगर लेस पार्टिसिपेंट्स होंगे तो क्या होगा, सर, लेस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात तो सिंपल, अगर लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है तो ये उस वक्त हेल्पफुल होगी जब आपको पार्टिसिपेंट्स मिलना मुश्किल है, सही ना, आर डिफिकल्ट टू फाइंड। पहली चीज तो ये हो गई ना, आप फॉर एग्जाम्पल हम कुछ स्टडी करते हैं किसी स्पेसिफिक के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कोरोना वगैरह तो इतना ज्यादा हो गया है, वरना कोई अगर नया कोई ऐसी चीज हो तो आपको उस तरीके के लोग नहीं मिलते जिसके ऊपर उसको टेस्ट किया जाए या वो उस इन्फेक्शन से गुजरे हो। तो जब आपके पास उस तरीके की कोई स्टडी आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, लेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी रिपीटेड मेजर्स डिजाइन फिर आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ये हो गया। इसकी एक और एग्जाम्पल ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट देखना चाहते हैं जो कि वाइल्ड के अंदर लाइक 5 to 10 ईयर्स रहे और आफ्टर लिविंग ओवर देयर फॉर 5 to 10 ईयर्स दे हैव कम टू दिस, के उनके ऊपर क्या फिजिकल इम्पैक्ट है या उनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या इम्पैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मॉनिटर करना चाहते हैं, सही। तो उसमें क्या होगा, रिपीटेड मेजर डिजाइन इज अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होंगे स्पेशली इन द, मेरे ख्याल से एशियन कंट्रीज के अंदर भी कम ही होंगे, तो बाहर के लोगों को ज्यादा इस तरह के काम करने का ज्यादा शौक होता है तो वो उधर ज्यादा होंगे, तो ये एक फिनोमिना आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इज, पहली चीज ये हो गई, दूसरा क्या है, काउंटर बैलेंसिंग आप बोलिंग इसके अंदर है, नहीं सर, पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स कम होंगे। पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स कम होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लिख लें, तीसरा ही हो गया, पार्टिसिपेंट वेरिएबल कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे, क्यों क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट होगा। जी हाँ, अब हर पार्टिसिपेंट हर स्टेज से गुजर रहा है ना, हर स्टेज ऑफ आईवी से एक ही पार्टिसिपेंट गुजर रहा है, तो आप वेरिएबल ही कम हो गए। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे था, नहीं सही है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द वन विद ग्लासेस, फॉर एग्जाम्पल अब ये था विदाउट ग्लासेस, ये एक छोटी सी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा बंदे में मैंने ले लिया वसीम, वो विदाउट ग्लासेस था, सही है। और तीसरे के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो कलर ब्लाइंड था, फॉर एग्जाम्पल। अब तीनों उसके अंदर वो क्या है, वो तीनों डिफरेंट स्टेजेस से तीन डिफरेंट तरह के लोग देख रहे हैं, तो उन तीनों की ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा, उन तीनों की एक्टिविटीज में डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हाइट का भी बड़ा इम्पैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट शॉर्ट है किसी की लॉन्ग है, सही है। तो क्या होगा, पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आरएमडी के अंदर क्या है, एक ही बंदा है भाई, कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द आईवी के ऊपर, बात क्लियर है। जी और तीसरी आपने क्या चीज बताया, काउंटर बैलेंसिंग कम करने से क्या होगा, ऑर्डर इफेक्ट कम हो जाएगा,
जी सर। तो दिस इज अनदर एडवांटेज, ये तीन इसके फायदे हो गए। अब आ रहे हैं एमपीडी, इसके क्या क्या फायदे? सर इसका फायदा ये हो जाएगा कि जैसे ये मैं जैसे ये सॉरी जैसे ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर लोगों को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो अगर लोग मैच हो जाएं तो ऐसे भी हमारे पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया, ये वाली बात यहाँ पे भी आ गई, पार्टिसिपेंट वेरिएबल है ना, जी सर। लेस हो गए। ठीक है, और क्या ऑर्डर इफेक्ट्स है? सर ऑर्डर इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना? बिल्कुल नो ऑर्डर इफेक्ट, बिल्कुल सही है। और डिमांड और करेक्ट, सर भाग डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं होंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे ना, लेस, जी बिल्कुल सही हो गई। ये इसकी स्ट्रेंथ्स हो गई, तीन हो गई अपने पास, आप लिख लिए ना इस तरीके से। हाँ सर, आप प्लीज 1 सेकंड देंगे, मैं सब कॉपी कर लूँ, मैं आपको हाँ बता दूंगी जब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं। ये इस तरीके से ना आपके नोट्स बन जाएंगे, वो लास्ट डे पे स्टूडेंट्स को बड़ा इशू होता है, नोट्स नोट्स कॉपी कर लेंगे कर लेंगे। अब जितनी डेंजरस स्टडी है, यानी जितने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, उतने ज्यादा उसके पैसे होंगे, सही? जी सर। और उतने ज्यादा पैसों के साथ साथ क्या होगा, एक्सपोजर भी जितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई स्टडी लंबी चल रही है तो उसके भी पैसे ज्यादा होंगे, क्या वो आपको ज्यादा एक्सपोज करेंगे? जितना ज्यादा एक तो एक्सपोजर है उसके साथ, दवाई के साथ या किसी भी वो ड्रग्स वगैरह जो भी टेस्ट करते हैं, और दूसरा साइड इफेक्ट्स, दोनों की वजह से क्या होगा, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे तो गरीब आवाम ज्यादा जाएगी। अब इस स्टडी के अंदर आप कहती हैं हर आईवी के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर मैं क्या करूं, आईएमडी भी लगा दूं ना, आईएमडी लगाऊं, यानी हर दफा मुझे नया पार्टिसिपेंट चाहिए, तो अब आप खुद बताएं ये एथिकल इश्यूज रेज करेगा नहीं करेगा? करेगा सर, लेकिन कैसे करेगा? करेगा ना, ऐसे आपने कहा कि भाई मैं एक मेडिसिन को डिफरेंट स्टेजेस में, यानी उसकी एक डोज को, दो डोज को, तीन डोज को, तो आपने कहा वन डोज के ऊपर अलग पार्टिसिपेंट्स, दो डोज के ऊपर अलग पार्टिसिपेंट्स, तीन पे अलग, तो वो कहेंगे भाई आप इतने सारे लोगों को इतने सारे साइड इफेक्ट्स से गुजार दो, सो दिस इज अ वेरी हेल्थ कंसर्न, के आप उसको पूरा स्प्रेड आउट कर रहे हो, लोगों में फैला रहे हो वो चीज़, आप उनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, हजार चीजें होती है जब आप वो चीज करते हो, तो आप इतने सारे लोगों को उस प्रोसेस से गुजार रहे हो, इट शुड हैव बीन बेटर कि अगर आप कम लोगों का इस्तेमाल करते ताकि उसके अंदर एथिकल इश्यूज ना आते। ये कहने का मेरा मकसद, कॉन्सेंट तो है, सर कॉन्सेंट तो सबकी होगी, उसमें भी होगी, लेकिन बात ये कि एथिकली वो कहते हैं इफ यू कुड हैव डन दिस स्टडी विद लेस नंबर ऑफ पीपल तो वो मसला नहीं खड़ा होता। ठीक है, ये कहने का मकसद है। ठीक है, आप इसी तरह आप मुझे जरा इसका भी लिख दें, आरएमडी का और एमपीडी का, फिर मैं आपसे भी पूछता हूँ, एक मिनट में लिख दें, मैं जरा पूछता हूँ।
यस, तो आप बताएं आप आरएमडी में क्या होगा? आईएमडी में सबसे पहले तो ऑर्डर इफेक्ट्स आ जाएंगे जी, बिल्कुल, ऑर्डर इफेक्ट क्या कर देंगे, रिजल्ट को खराब कर देंगे। सही है। दूसरा? उसके बाद डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। बिल्कुल, ग्रेटर एक्सपोजर टू डिमांड करेक्टर। सही हो गया, बिल्कुल सही। जी। क्लास एमपीडी का बताएं। और सर मैंने एक और भी लिखा है इसमें कि अगर हम लोग एथिकल इश्यूज के बारे में लिख सकते हैं अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में, तो सर फिर ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे एक ही अगर पार्टिसिपेंट बैक एंड फोर्थ काम कर रहा है, तो एक एक्सटेंट पे उसकी लाइक साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो है वो हार्म हो सकती है ना। अब वो देखे ना आपने, ऑर्डर अफेक्ट में फटीग अफेक्ट वो वाली चीज आ गई ना, उसमें डाल दिया काफी ओ हद। सही 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 है, है। वो आ गया। ठीक है, आगे एमपीडी। शायद एमपीडी पे हम लोग जैसे मैच करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो वी कैन नॉट मैच पार्टिसिपेंट्स ऑन ऑल वेरिएबल्स। बिल्कुल 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 सही कहा, नॉट ऑन ऑल वेरिएबल्स। सही है, बहुत। और दूसरा मैंने ये लिखा है कि इट इज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू अदर डिजाइन्स। नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, कैसे? वही मैचिंग क्राइटेरिया आ गए ना, वो जी सर, मैचिंग वगैरह करनी तो वो एक पड़ेगी ही और बात सब हो गई ना कुछ। कि भाई आपने कहा कि जो राइट मैचिंग क्राइटेरिया है वो कौन सा है भाई, वो हमें कैसे पता चलेगा? यही कह रही है ना, राइट मैचिंग क्राइटेरिया जो है जी सर वो कैसे होगा कि वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी स्टडी के लिए इफेक्टिव है या नहीं है, ये आपने पहली बात कही। दूसरी बात जो है वो क्या है? सर दूसरी बात यह है कि ये प्रोसीजर आसान नहीं है करना, क्योंकि आपको पहले पार्टिसिपेंट्स लाने पड़ेंगे, फिर मैच करना पड़ेगा उन्हें हर चीज पे। सही है। और दूसरा क्या कहेंगे, आपके जो मैचिंग पेयर्स हैं उसके लिए आपके पास क्या हो सकता है, मसला हो सकता है कि अगर आप मैचिंग पेयर्स आप लेते हो तो उसको ढूंढना मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या होगा, सैंपल साइज जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मेकिंग द सैंपल साइज स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडीज, आप जब आप पढ़ोगे A2, उसके अंदर स्किजोफ्रेनिया के ऊपर एक आती है, क्या कहते हैं उसके ऊपर, क्या आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर स्टडी भी है उसके अंदर। सही जी सर है, आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर स्टडी। अब आइडेंटिकल ट्विंस ढूंढना कितना मुश्किल काम है, तो उसका पेयर ढूंढना। अब आइडेंटिकल ट्विंस आप कितने ढूंढ सकते हो, फॉर एग्जांपल आप करने जाते हो, इट्स डिफिकल्ट, तो आपका जो होगा सैंपल साइज की वजह से क्या होगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, जी सर ठीक है, ये एक तरीके से समरी हो गई जो हमने किया था। अब आ जाते हैं हम लोग इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अच्छा, जी सर सही। सबसे पहले क्या आ गया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो मेन जो मसला आता है ना, दैट वी आर अवेयर ऑफ, इसका जब क्रिटिकल एनालिसिस आता है ना, वो जरूर पार्ट आप जिसका भी है वो जरूर देखा करें, लाइक वी डिड इन दिस, ये जो अभी हमने किया है, ये क्रिटिकल एनालिसिस ही कर लिया ना, स्ट्रेंथ्स ऑफ वीकनेसेस। सही जी सर है। अब डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर अफेक्ट, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स और एथिकल का भी, और वो जो आपको इश्यूज का, अब बस यही टर्मिनोलॉजी ज्यादातर रिपीट होती रहती है आगे पीछे ना, यही चीजें ज्यादातर चलती। अच्छा बताएं, व्हाट इज अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट? सर, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि इसमें हम लोग बेसिकली मैनिपुलेट दी आईवी टू सी दी रिजल्ट्स ऑन दी डीवी, बट इट टेक्स प्लेस इन एन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इन फॉर एग्जांपल इन अ लेबोरेटरी, और एनवायरनमेंट बिल्कुल रिसर्चर के मुताबिक सेटअप हुई भी होती है जैसा वो चाहते हैं। सही, तो जैसा वो चाहते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज है ना। जी सर ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब इसकी इवेल्यूएशन की बात करते हैं भाई, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। सबसे पहली बात क्या है इसके अंदर, के एक तो स्टैंडर्डाइज होता है, आपने बात भी की,
यानी क्या कहने का मकसद है कि जो कंडीशन से जो सिचुएशन से एक बंदा गुजरा है, यानी एक लेवल ऑफ आईडी या एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स गुजरे हैं, उसी से दूसरा गुजरेगा सेम से। सही ना, स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? जी सर, कि सेम प्रोसीजर हर पार्टिसिपेंट के लिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन किस चीज में हेल्प करती है? वो करती है कि आपकी जो फिगर्स है उसको क्या बनाती है? रिलायबल। दिस इज द वर्ड दैट इज मोस्ट नीडेड, कि जो आपकी रिजल्ट से फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स आ रहे हैं उसको क्या करती है? रिलायबल करने के लिए ये सब से किया जा रहा है ना, वरना वो कहता चेंज कर दो भाई, कोई मसला नहीं है। जी सर, ठीक है, तो रिलायबिलिटी इससे आपकी बढ़ गई। के रिसर्चर क्या होंगे? रिसर्चर्स आर लाइक सर्टेन दैट द मेथड्स एंड द प्रोसीजर्स दैट दे हैव यूज्ड आर कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट है, जो मेथड्स वगैरह है, सर्टेन प्रोसीजर्स वगैरह के, वो कंसिस्टेंट है एक ग्रुप के ऊपर भी और दूसरे ग्रुप के ऊपर भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको हायर रिलायबिलिटी मिल रही। ठीक है, कंसिस्टेंट एज इन सेम, कंसिस्टेंट का मतलब सेम है, दोनों को एक ही तरीके से गुजारा है, ये वाली बात कंसिस्टेंसी में आ रही। ठीक है, ये ठीक है। और नेक्स्ट चीज आ गई वैलिडिटी। वी टॉक्ड अबाउट वैलिडिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आर देयर? टाइप्स नहीं पढ़े थे पहले हमने, पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, वो इंटरनल और एक्सटर्नल। जी जी, पहले तो कल हमने जो बेसिक पढ़े थे ना, इंटरनल एक्सटर्नल, जब आप किसी भी उसके ऊपर बात करेंगे ना, क्या कहते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप डिस्कस करेंगे, तो आप इसके ऊपर सिंपल जो बात होगी ना, सबसे पहली बेसिक, वो तो फिर हम बाकी और पढ़ेंगे, कॉन्टेंट हो गए और दूसरी हो गई एक्सेट्रा, लेकिन जो सिंपल आप पहली बात करोगे, जो वैलिडिटी की बात करोगे आप वैसे एक्सपेरिमेंट में, तो यू वुड ऑल्सो मेंशन लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। सही है ना? जी सर, सही है। तो अब आ जाए वैलिडिटी। वैलिडिटी में इंटरनल वैलिडिटी क्या है सर? के डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के जो प्रोसीजर्स या जो हमारी रिसर्च है वो ट्रस्टवर्दी है और कोई दूसरे वेरिएबल्स उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब यही चल रहा है कि जो डीवी को हम आईवी का इम्पैक्ट जो डीवी के ऊपर देख रहे हैं वो आईवी ही की वजह से आ रहा है, नॉट ड्यू टू एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। यही किया है ना हमने। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस यही है ना भाई, जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ वही चीज टेस्ट हो रही है, कुछ और नहीं हो रहा। जी सर, ठीक है, तो ये चीज आपको चेक करनी है, जो चीज आप टेस्ट करने जा रहे हो वही चीज टेस्ट हो रही है, कोई और नहीं हो रहा। अच्छा, तो यानी ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो वैलिडिटी क्या है? इट इज द एक्सटेंट, लिख ले, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द रिसर्चर इज टेस्टिंग, टू विच द रिसर्चर इज टेस्टिंग व्हाट इट क्लेम्स टू बी टेस्टिंग। सही है, जो वो टेस्ट कर रहा है, वो जो वो क्लेम कर रहा है वही चीज टेस्ट हो रही है, कुछ और टेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, रिलायबिलिटी की डेफिनेशन लिखे, व्हाट इज रिलायबिलिटी? जी सर, लिख ली। नहीं, ये तो वैलिडिटी की लिखी है ना। जी सर, अब रिलायबिलिटी की लिखी है, द एक्सटेंट टू विच अ प्रोसीजर और अ मेजर इज कंसिस्टेंट और अ मेजर इज कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल डेट इट वुड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट
that it would produce the same results with the same people on each occasion. ये नहीं हो, ये बड़ी बात है. ये ना हो कि आपने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल लाइक मंडे को किया आपने, सही, आपने उन लोगों के ऊपर किया, इस चीजों को किया, किसी चीज का किया, तो सेम कंडीशन के अंदर आपने उसको किया, अगले दिन आपने किया फॉर एग्जाम्पल लाइक आफ्टर अ वीक. अब आपने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो वो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है. सो दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी, दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी. रिजल्ट शुड बी द सेम. ठीक है, दैट इज अ रिलायबल रिजल्ट ना, रिलायबिलिटी है. ठीक हो गया. अच्छा, अब आ जाए तो दूसरी हम बात करते हैं. अच्छा, एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? आईवी मैनिपुलेट करता है डीवी, और इट टेक्स प्लेस इन ए नेचुरलिस्टिक या मोर रियल लाइफ एनवायरनमेंट एंड हैज अ फ्यू कंट्रोल्स. अच्छा, क्या क्या बातें कही है? फ्यू कंट्रोल्स हैं सर, फ्यू कंट्रोल्स होते हैं, और इट टेक्स प्लेस इन इन एवरीडे काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, लाइक पूरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होती लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह. अच्छा, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये लिखे ना कि फील्ड एक्सपेरिमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है. इट इज फॉर अ कॉजल रिलेशनशिप. पहली चीज तो यही है ना भाई, अगर ये एक एक्सपेरिमेंट की टाइप है तो एक्सपेरिमेंट की जो जनरल डेफिनेशन है वो तो रहेगी ना इसके ऊपर. जी सर. ठीक है, तो आपने क्या लिखा? इट इज एन इन्वेस्टिगेशन जो कि कॉजल रिलेशनशिप को चेक कर रही, इन विच एन आईवी इज मैनिपुलेटेड सही, टू बी टू लुक एट द इम्पैक्ट इट मेक्स ऑन द डीवी, टू लुक एट द चेंजेस इट मेक्स ऑन द डीवी. ये तो सिंपल हो गई डेफिनेशन. अभी तक हम फील्ड वाले की जो स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक उसके ऊपर नहीं आया ना, ये तो एक जर्नल हमने एक्सपेरिमेंट की बात कही. जी सर. ठीक है, अब आप इसके अंदर जो दूसरी बात डालेंगे फील्ड एक्सपेरिमेंट में वो क्या आएगी? It is conducted in the normal environment for the participants. Right? Conducted in the normal environment for the participants for the behavior being tested. For the behavior being tested से क्या मुराद है? बिहेवियर बीइंग टेस्टेड से ये मुराद है कि जो बिहेवियर आप उनका मॉनिटर करना चाह रहे थे, आप उसी के अंदर उसका बिहेवियर मॉनिटर होगा. फॉर एग्जांपल लाइक अब आप देखें, जैसे कैनली एट एल की जो स्टडी है, सही, कैनली एट एल की स्टडी. अच्छा, आपने देखी कैनली की किसके ऊपर स्टडी है? वैसे ठीक है, ये इमेजेस के ऊपर है ना. बिल्कुल बिल्कुल, फॉल्स मेमोरीज के ऊपर जी, सही. और किसके अंदर आएगी? ये बायोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर आएगी. कॉग्निटिव के अंदर नहीं आएगी? ये कॉग्निटिव भी लगेगा मगर बेसिकली बायोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर है ना, क्योंकि आपका सिर्फ स्ट्रक्चर जब ब्रेन वगैरह से कोई चीज रिलेटेड हो जाएगी तो वो बायोलॉजिकल हो जाएगी ना. ठीक है सर. ठीक है, अच्छा, वो ये कहता है कैनली की जो स्टडी है वो क्या कहती है? वो बेसिकली कहती है कि जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस है ना वो जल्दी रिकॉल होते हैं, और नॉन इमोशनल जो है वो क्या होते हैं? देर से रिकॉल होते हैं. ठीक
ठीक है, ये हम इसको आराम से देखेंगे जब ये हम स्टडी इसकी डिटेल में करेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर ब्रेन के स्कैन्स वगैरह आपको करने हैं इसके अंदर, क्योंकि fMRI या fMRI वगैरह करते हैं हम, तो ब्रेन की एक्टिविटी देखनी है तो दिस स्टडी शुड बी लाइक परफॉर्म्ड देयर इन अ हॉस्पिटल। सही है, अगर कोई मरीज की स्टडी है तो वो किस एनवायरनमेंट में किया जाएगी? हॉस्पिटल के अंदर। सही, अच्छा, सही। डिमेंट और क्लाइटमेंट की क्या स्टडी है? पढ़ी आपने डिमेंट किसकी? एंड क्लाइटमेंट? नहीं सर, इसकी नहीं पढ़ी थी हमने, सिर्फ लर्निंग अप्रोच खत्म की थी उस वक्त। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये थी किसके ऊपर? स्लीप और ड्रीमिंग के ऊपर। बस इतना मैं बता रहा हूँ, आगे हम फिर करेंगे जब पढ़ेंगे। दिस स्टडी वॉज अबाउट जी सर। स्लीप एंड ड्रीमिंग। अब स्लीप का मैंने आपको बताया भी था जैसे पहले दिन। अब अगर स्लीप मॉनिटर करनी है तो जो बंदे का जो बेड है, जिसके ऊपर वो कंफर्टेबल हो, जिसके ऊपर वो रोज सोता है, अगर ये स्टडी रादर देन अ लैब उसी के अंदर की जाए जिस बेड पे वो सोता है, तो दिस वुड हैव बीन मच बेटर। यानी वो क्या होता? वो होता फिर क्या? फील्ड एक्सपेरिमेंट होता। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि जहां पे वो बिहेवियर डिपिक्ट होना चाहिए आप उसी एनवायरनमेंट में कर रहे हो। सही है, नॉर्मल एनवायरनमेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स फॉर द बिहेवियर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। बात क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसका? एक तो फायदा ये होगा, एक तो फायदा क्या होगा, जब उसी एनवायरनमेंट में आप कर रहे हो तो पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे भाई? अनअवेयर होंगे कि डेट दे आर इन एन एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में ना। हाँ, फील्ड की बात हो रही ना, फील्ड का चल रहा है। जी सर। अब आपके अगर क्लासरूम के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, सही है, जैसे हम, मैंने आपको पहले बताई थी, वो आप शायद अपने पास एज एन एग्जाम्पल लिख भी सकती है। हम लोग बात कर रहे थे ऐश की थ्योरी थी, फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्मेशन। सही, ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकती है, क्योंकि ये लाइक इट्स अ प्रूव्ड स्टडी और प्रूव्ड थ्योरी उसकी। फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्मेशन में हमने ये बताया था कि अगर पहली दफा कोई नया टीचर आता है, न्यू टीचर, तो हाउ द स्टूडेंट्स विल रिएक्ट। सही है, उसको वो वार्म समझेंगे यानी अच्छा समझेंगे, या उसको कोल्ड नेचर का समझेंगे, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करेंगे? ठीक है, अब ये क्या था? क्योंकि हमने इसको क्लासरूम में किया कंडक्ट, तो पार्टिसिपेंट्स वर नॉट अवेयर। एक दिन एक टीचर को भेज दिया, अगले दिन दूसरे टीचर को भेज दिया। वो भी ऐसे ही था कि लाइक देवर सीनियर्स, उनका सीनियर्स का डे नहीं होता कि वो एक दिन पढ़ाते हैं वगैरह, ऐसा ऐसा कोई डे था टीचर्स डे के ऊपर इस तरीके से। तो उस दिन हमने इसको टेस्ट कर दिया, तो वो बड़ा ही फायदेमंद हो गया क्योंकि दे वर अनअवेयर ऑफ इट। सही हो गया। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट। या फील्ड एक्सपेरिमेंट का भी बता सकती है कि अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्मेशन की थ्योरी, ऐश की थ्योरी टेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा होगा। चलें, दूसरी बात के ऊपर है क्या? हाँ, इसको आप इवेल्युएट करते हैं, यानी इसको क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकली देखते हैं। सबसे पहली क्या बात, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सर। और स्टैंडर्डाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होगी? लो हो जाएगी। डिग्रीज बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अच्छा, और क्या होगा? यही होगा। और क्या हो सकता है? सर इकोलॉजिकल वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओ, वेरी गुड वेरी गुड। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या है? सर प्रोसीजर्स हमारी एवरीडे लाइफ से कितना मिलते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल इकोलॉजिकल, एक स्टडी कितनी रियल लाइफ से रिलेट करती है। सही हो गया। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी की डेफिनेशन लिख लें, क्या है? इट इज द एक्सटेंट
right, to which the current situation represents the real world effectively. Real world effectively. And whether the task is relevant to real life situation. And whether the task is relevant to real life situation. ठीक है ना. अब आपका जो टास्क है वो रियल लाइफ से कितना मिलता जुलता है. फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में आपसे कहूँ कि इफ आई एम आस्किंग यू टू डू सम पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो आप एकदम से होंगी कि नहीं दिस इज समथिंग डिफरेंट. और जब समथिंग डिफरेंट है तो आप एक्चुअली आप क्या कर देंगी, एकदम से अपना बिहेवियर जो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज कर देंगी. सही. फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैपेंड, हाँ वो इट वॉज अबाउट चूजिंग अ कलर. अब दे वी वर आस्क्ड टू चूज अ पर्टिकुलर कलर ना. सही. अब वो पर्सनैलिटी टेस्ट है. अब वी वर नॉट अवेयर ऑफ, अब सबने अपने अपने कलर चूज किए और कहते हैं यू जस्ट चूज कलर्स और डिफरेंट कलर्स है उसमें से आप कौन कौन से चूज करेंगे, यू हैव टू फिल समथिंग. अब किसी ने ज्यादातर येलो कर दिया. सही. किसी ने कुछ कर दिया. अब एट दी एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो कहते हैं कि जिसके पास लाइक ज्यादा रेड है और इट वॉज सम अदर कलर, वो किसी स्पेसिफिक बहुत बड़ी एक टेस्टिंग का पार्ट था. पूरा दिन वो टेस्टिंग चली थी. तो इफ यू आर गेटिंग रेड्स मोर या फिर कोई और, इट वॉज लाइक ब्लू और रेड समथिंग मोर, तो इसका मतलब यू आर मोर आउटवर्ड. आउटवर्ड बोलेंगे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या पर्सनैलिटी होती है, यू हैव अ मोर फ्रेंडली पर्सनैलिटी. क्या कहते हैं वो, एक इनवर्ड पर्सनैलिटी होती है, एक आउटवर्ड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोर एक्सट्रोवर्ट. हाँ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. वेरी गुड. तो वो यू हैव एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर रेड और ब्लू आ जाए. सही. ये था. अब वो जब जेन्युइन हुआ तो जो फर्स्ट ग्रुप था ना उसको पता चल गया. तो इन द ब्रेक हमारा नेक्स्ट ग्रुप में था तो आई आज के भाई कौन सा होता है, तो मैंने पहले पता कर लिया. उन्होंने कहा रेड और ब्लू ज्यादा सेलेक्ट करने. सो व्हेन आई आस्क्ड देम, तो अब ना चाहते हुए भी माय पर्सनालिटी वाज नॉट एक्यूरेटली डन बिकॉज आई इंटेंशनली सेलेक्टेड ऑल दोस जो कि रेड या ब्लू थे. सही. तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी तो खत्म हो गई ना उस बात से. सही. तो मैं जो बात कह रहा था वो ये था कि चूजिंग अ कलर, क्योंकि वो क्लासरूम में हो रहा था चूजिंग अ कलर, चलो हम फिर भी कहें चलो सही है. बट इफ यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग क्रेजी इन अ क्लासरूम या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपसे कहा जाए कि करें, इवन लाइक एट टाइम्स ये होता है कि वो आपसे कहें कि भाई आप सामने आ जाए, कम इन फ्रंट और एक्सप्लेन करें और ये बोले, तो वो भी एक आपको एकदम से हटी हुई चीज लगती है कि भाई दिस इज नॉट क्लियर, नॉट रेलिवेंट टू द रियल लाइफ सिचुएशन. अच्छा, तो नॉट रियल लाइफ सिचुएशन से वो जो टास्क है वो क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए रियल लाइफ से. ये मैंने आपको बात कही, रेलिवेंट टू रियल लाइफ होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंडेन रियलिज्म. सही. MUNDANE, मंडेन रियलिज्म. व्हाट इज मंडेन रियलिज्म? सर नाम पहले सुना है लेकिन. इट इज, लिखे आप मंडेन रियलिज्म. इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी. इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी which is the extent to which findings can be generalized from experiments to real life settings. From experiments to real life settings.